हाय फ्रेंड, मैं भारती, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पिछली वीडियो में हमने बेबी की ड्रेस की कटिंग करना बताई थी, अब इस वीडियो में हम बेबी की ड्रेस की सिलाई बताते हैं आपको। देखिए फ्रेंड, अब हम इसकी किस तरीके से सिलाई करते हैं, अच्छे से देखना। अब फ्रेंड हम शुरू करते हैं इसको। ये देखो, हमने दोनों पल्ले इसके इस तरीके से मिला लिए हैं। अब हम दोनों पल्लों पर ऐसे कंधे की साइड से सिलाई चला देते हैं। इस पे भी हमें ऐसे ही सिलाई चलानी है। अब फ्रेंड देखो, हमने दोनों पल्लों पे इस तरीके से सिलाई लगा दी है कंधों के पे जॉइंट जोड़ने के लिए। अब हम इसके जो अब हम बाजू की गुलाई में हमें छोटी सी बॉर्डर लगानी है ब्लैक कलर की, तो वो हम इस तरीके से, क्योंकि ये कट स्लिप है फ्रेंड, तो कट स्लिप पे हमें इस तरीके से उल्टी साइड सीधी साइड से रख के हमें ये ऐसे करके इस तरीके से हमें इस पे भी ऐसे सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमने इस पे सिलाई लगा दी है, इसको कट कर देना है हमें। अब इस पे इसको, क्योंकि हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे करके पाइपिंग की तरह बनाना है हमें इसको, इस तरीके से हल्का हल्का हमें दबाना है, इस तरीके से करके हमें इस पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें छोटे छोटे कट लगा देंगे इस पे ऐसे। इसको इस तरीके से मोड़ना है ऐसे, और अब इसको इस तरीके से जैसे हमें पाइपिंग बनानी है इस तरीके से थोड़ा बड़ा करके ऐसे हमें इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमें इस पे सिलाई चला देनी है। अब इसी तरीके से हमें इस साइड भी बाजू के उस पे गुलाई पे लगानी है हमें बॉर्डर पे। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने इनकी दोनों तरफ की किनारी लगा ली है ब्लैक कपड़े से। अब हमें क्या करना है, इसका जो बीच का साइज है इस पर हमें टिक लगा के, पीछे का जो हमारा बेबी का गला हम ज़्यादा बड़ा तो कर नहीं सकते, तो इस वजह से पीछे के कट पे हमें एक निशान लगाना है आधे पे ऐसे फ्रेंड, और इसको हमें इस तरीके से थोड़ा सा कट लगा देना है इस तरीके से, ज़्यादा नहीं हल्का सा। इस कट पे हमें एक इस तरीके का एक वो बनाना पड़ेगा जो इस कट के ऊपर बिल्कुल राइट आके इसको हम फोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। जितना हमारा कट है उसी हिसाब से हमें इसको वो करना पड़ेगा इस तरीके से। अब हमें इस तरीके से पकड़ के इस पे सिलाई चला देनी है इस तरीके से हमें ऐसे, जैसे मैंने चौक का निशान लगाया इस तरीके से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे हम इसी के ऊपर फ्रेंड सिलाई चला देते हैं इसकी। इसकी हमने सिलाई लगा ली है इस तरीके से जैसे मैंने निशान लगाया था। अब इसको फ्रेंड इस कपड़े को इस तरफ मोड़ देना है ऐसे, मोड़ के ऐसे इस तरीके से, फिर हमें एक बार इसी तरीके से इसके ऊपर सिलाई चला देनी है इस तरीके से। इसको सिलाई चला देनी है, इसको भी इस तरीके से ही मोड़ना है, और इसको हल्का सा ये हमारी पीछे की हुक की पट्टी लगा दी है हमने, क्योंकि बेबी का गला ज़्यादा बड़ा हम कर नहीं सकते इसलिए ये लग चुकी है। अब हमें इसकी गुलाई पे गले पे पाइपिंग लगानी है। अब हम इसकी गले के ऊपर पाइपिंग लगा देते हैं। ये हमारी पट्टियाँ हमने दो तैयार कर ली हैं इसके लिए, इनको हमें ऐसे करके रखनी है तिरछी करके, और इसको हमें फोल्ड कर लेना है ऐसे। हमने इसको रख लिया ऐसे, हमने ये हमने पट्टी को जोड़ लिया। अब हम इसे ऐसे सीधा कर देते हैं, और इस तरीके से हमें इसको पकड़ना है
और जो ये हमारी गले के ऊपर की जो जहाँ से हमने पट्टी बनाई है उसकी हुक की, वहाँ से हमें इसको ऐसे रखना है और ऐसे फोल्ड कर देना है। और अब इस पर भी हमें ऐसे ही सिलाई चला देनी है। ऐसे पकड़ना है हमें। ये देखिए हमने गले की पट्टी लगा ली है। अब हमें इसको इस तरीके से सीधा करना है। सीधा करके हमें इसको ऐसे फोल्ड कर देना है हमें इस तरीके से। इस तरीके से हमें इसको सीधा करना है और इस पर सिलाई चला देनी है। ऐसे हल्का हल्का इसको ऐसे अंदर दबाते जाना है और सिलाई चलाती जानी है इस तरीके से। इसको पाइपिंग लगाते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा पीछे का कपड़ा छूट तो नहीं रहा, पीछे पे हमारी सिलाई पूरी तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही, ये ध्यान रखना है। देखिए अभी हमने गला इसका पाइपिंग पे बिठा दिया है। अब हमें इसकी इसका घेरा तैयार करना है। अब इसको इसको हटा के हमें इसका घेरा तैयार कर देते हैं। दो पल्लड़ थे, एक इस साइड का एक इस साइड का, तो हम घेरे पे इस तरीके से दोनों पल्लड़ मिला के और इस पर भी घेरे पे भी हमें ब्लैक पट्टी लगानी है थोड़ी सी, क्योंकि अच्छी लगेगी ब्लैक पट्टी से, इसलिए इस पर हम इस तरीके से लगा के ब्लैक पट्टी लगा देते हैं, इसकी सिलाई कर देते हैं इस तरीके से। इसको हमें थोड़ा सा हल्का सा ऐसे फोल्ड कर देना है अंदर की साइड और इसके ऊपर हमें ऐसे रख के ये ब्लैक पट्टी लगा देनी है। इस तरीके से हमने इसकी ये सिलाई लगा दी है, फोल्ड कर दिया ये हमने। ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड, इस तरफ तो हमने सिलाई लगाई दी है, नीचे की साइड इसकी कैसे लगाई है वो आपने देखी होगी। अब हमें थोड़ा सा ऊपर से भी सिलाई लगानी है इसकी, एक एक पैर पे दबा के ऐसे इसको हल्का सा पकड़ना है और इस तरीके से मोड़ना है, फिर इस तरीके से इसकी सिलाई। ये फ्रेंड ये हमारी ड्रेस बनके रेडी हो चुकी है। अगर ये हमारा बैक साइड है, ये हमने चिट बटन लगा दिया है इसमें, ये ड्रेस हमारी रेडी हो गई है बिल्कुल बनके। अगर आपको हमारी ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें।